आज मैं बताने जा रही हूँ मशरूम मटर मसाला की रेसिपी। सबसे ज़रूरी बात, मशरूम में विटामिन डी पाया जाता है जो अन्य सब्जियों में नहीं पाया जाता। इस मसालेदार लजीज रेसिपी को आप रोज़मर्रा के खाने के साथ भी बना सकते हैं और पार्टी के लिए भी। अगर इसे सही तरीके से बनाया जाए तो यह खाने में पनीर या चिकन से कम टेस्टी नहीं लगता। तो आइए शुरू करते हैं ये रेसिपी। मशरूम मटर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम मशरूम लिया है और 500 ग्राम फ्रेश मटर लिया है। यहाँ पे मैंने 5 प्याज और 1 टमाटर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे 2 लहसुन को छील लिया है, थोड़े से अदरक के टुकड़े लिए हैं और 2 हरी मिर्च लिया है। तड़के की बात करें तो मैंने यहाँ पे 2 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च, थोड़े से काली मिर्च, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़े से दालचीनी और 1 चम्मच जीरा लिया है। मसाला पाउडर में मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला लिया है। साथ ही मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। एक ग्राइंडर में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को हम पीस लेंगे कुछ इस तरह से। अब एक कढ़ाई में पानी गर्म करेंगे और उबलते हुए पानी में ये मशरूम डाल देंगे। मशरूम डाल के 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढक के हम पका लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसे निकाल के हम ठंडा कर लेंगे। जब मशरूम मेरा ठंडा हो जाए तब इसकी कटिंग कर लेंगे। चाहे तो आप 2 भाग में कर ले या फिर 4 भाग में कट कर ले। वापस से कढ़ाई गर्म करेंगे, इसमें थोड़े से कुकिंग ऑयल डालेंगे और मशरूम को फ्राई कर लेंगे। मशरूम को हमें ब्राउन होने तक फ्राई करनी है। ये देखिए हमारे मशरूम का कलर ब्राउन हो गया है, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक कुकर को हम गर्म करके इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और जब मेरा कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें हम साबुत मसाले डाल देंगे। तो ये मैंने बड़ी इलायची, दालचीनी, जीरा, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, काली मिर्च, हरी इलायची सब डाल दिया। इसे थोड़ा भून लेंगे। थोड़ा भूनने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे क्योंकि प्याज को हमें अच्छे से गलाना है। तो ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है। तो अब इसमें हम अपना मसाला डाल देंगे। तो ये जो मैंने मसाला पीसा था ये डाल देंगे। थोड़ी देर इसे भूनेंगे। अदरक लहसुन थोड़े से भून गए हैं तो इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर भी डाल देंगे और जीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, सारे मसाले हम डाल के इसे तब तक भूनेंगे जब तक मसाले के ऊपर हमारा तेल ना दिखने लगे। मसाला अगर कुकर में चिपकने लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। मसाला हमारा भुन गया है तो अब इसमें हम मटर डाल देंगे और मटर डाल के भी हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे। 1 से 2 बार ढक्कन रख के हम मटर और मसालों को एक साथ भून लेंगे। मटर को मसालों के साथ इस तरह से भूनने पे मटर का कच्चापन दूर हो जाता है। अब देखिए ये मसाले में तेल ऊपर आ गए हैं, यानी हमारा मसाला भुन गया है। अब इसमें मशरूम डाल के हम चला लेंगे। सबसे लास्ट में हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, चला लेंगे। अब इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर सीटी लगाएंगे। तो कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और 2 सीटी आने तक इसे पकाएंगे।
थोड़े से धनिया पत्ती डाल के हम चला लेंगे। तो मशरूम मटर मसाला हमारा रेडी है, तो आइए इसे सर्व करते हैं। मशरूम जो है वो पनीर जैसा है, जो भी फ्लेवर आप देते हो वो एब्जॉर्ब करने लगता है। एक बार आप मेरे तरीके से मशरूम मटर मसाला की रेसिपी ज़रूर बनाएं, और ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।